अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ऑर्डर के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को किस तरह डिलीवर करवा सकते हैं सेम एड्रेस के ऊपर। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर, हमारे पास जो कस्टमर है, हमें जो ऑर्डर आता है वो दो प्रोडक्ट हमने एक कस्टमर को डिलीवर करवानी होती है, लेकिन हमें दो ऑर्डर को प्लेस करना पड़ता है। मीन्स कि हमें अलग अलग ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है और हर ऑर्डर के अलग से डिलीवरी चार्जेस देना पड़ते हैं, तो जिससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होता है। मीन्स कि अगर एक कस्टमर को आपने दो चीज़ें डिलीवर करवानी है, तो उसके लिए अगर आप दो ऑर्डर करेंगे, दो दफ़ा उसे आप डिलीवरी चार्जेस लेंगे, तो मे बी वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो इस अपडेट के बाद आप एक ही ऑर्डर के अंदर 3, 4, 5 जितनी प्रोडक्ट आप चाहें आप एक ही कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह आपने मल्टीपल प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है एक ऑर्डर के अंदर। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, फील फ्री कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अगर आप शॉपिफाई का कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मरकज ऐप के ऊपर मैंने डिटेल में कोर्सेज अपलोड किए हैं, और उसके बाद आप सप्लायर अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, दराज के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, तो कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कीजिएगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अभी आपने इन स्टेप को समझ लेना है कि आपने एक ही ऑर्डर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को किस तरह सेम एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवाना है। वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। कहीं समझ नहीं आ रही, वीडियो को रिपीट करके वॉच कर लें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये आपके सामने है प्रोडक्ट। लेट्स सपोज हमने 3-4 प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर करनी है, तो किस तरह करनी है, अभी आपने एक एक पॉइंट को नोट करना है एंड समझना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एक शू है। लेट्स सपोज एज एग्जांपल आपने उस प्रोडक्ट को चूज करना है जो आप कस्टमर को डिलीवर करवाना चाहते हैं, जो कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो लेट्स सपोज एज एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, उसके बाद जब आपने इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है, समझ लेना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। आपकी कस्टमर के साथ कितने में डीलिंग हुई है, कितने में आपने लिस्टिंग की है, कितना इसके अंदर आपने प्रॉफिट ऐड किया था, कितना आपने इसके अंदर अभी जब कस्टमर के साथ आपकी फाइनल डील हो चुकी है, तो उसके बाद आपने जब इसको डिलीवर करवाना है तो कितना प्रॉफिट आपने ऐड करना है, ये आपने खुद मैनेज करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज एज ए एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 200 रुपये हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसको बाय नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने ऐड टू बैग करना है, ठीक है। समझ लीजिएगा ऐड टू बैग आपने कर लेना है। हमारे पास एक ये जो प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट हमारे ऐड टू बैग यानी कि हमारे बैग के अंदर ऐड हो चुकी है, ठीक है। एक तो होगी ये प्रोडक्ट जो कि आपने कस्टमर को डिलीवर करवानी है, मैंने एज एग्जांपल करके दिखाया है। लेट्स सपोज उसके बाद हमारे पास एक ये प्रोडक्ट है, इसको हम ले लेते हैं। आपने उन्हीं प्रोडक्ट को चूज़ करना है जो आप कस्टमर को डिलीवर करवाना चाहते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपने इसको भी सेम वही प्रोसेस है कि आपने कैलकुलेट कर लेना है अपना प्रॉफिट, आपने लिस्टिंग कितने में की है, कस्टमर के साथ आपकी डील कितने में हुई है, आपका कितना जो फाइनली प्रॉफिट है वो आपने वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर से भी 200 रुपये कर लेता हूँ, और उसके बाद आपने ऐड टू बैग कर लेना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करना, ऐड टू बैग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने आना है सेम अपनी तीसरी प्रोडक्ट को, आप तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी आप प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं एज ए एग्जांपल, अभी ऑलरेडी जो हमारी दो प्रोडक्ट हैं वो हमारे बैग के अंदर ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपने इधर क्वांटिटी वगैरह जितनी भी आपने एक प्रोडक्ट आपने सेम प्रोडक्ट को उसकी जो क्वांटिटी है वो आपने दो ऐड करनी है, एक ऐड करनी है, वो आपने अभी देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस एंड माइनस का बटन भी दिया गया, आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। योर प्रॉफिट यहाँ पर आपने अपना 200 रुपया प्रॉफिट, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपने जब कस्टमर के साथ डील की होगी कि फलां प्रोडक्ट के अंदर हमारा इतना प्रॉफिट है मेरा, उसके बाद इस प्रोडक्ट के अंदर मेरा इतना प्रॉफिट है वो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है, ऐड टू बैग भी आपने इसको कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अभी हम ऐड टू बैग, ये बैग है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं जिसको हमने ऐड टू बैग किया था वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ऊपर आपको नज़र आ रही है, और नीचे आपका जो प्रॉफिट है 200, 200, 200, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो 600 है इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने ये नीचे इसकी जो टोटल प्राइस है वो आपको नज़र आ रही है 5,840 रुपीज़, ठीक है। अभी आपने गौर से देख लेना है, समझ लेना है। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि नए कस्टमर के लिए ऑर्डर करें, पुराने कस्टमर के लिए ऑर्डर करें, अपने लिए ऑर्डर करें।
तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने समझ लेना है। अगर आप पहले पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर आपने पहले कस्टमर से पेमेंट लेनी है, एडवांस में पेमेंट लेनी है, तो यहाँ फिर आपने कस्टमर अपना प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, मैं आगे चल के आपको गाइड करता हूँ। उसके बाद आपने, अगर आपका फर्स्ट टाइम आप कस्टमर को ये चीज़ें डिलीवर करवा रहे हैं, तो आपने ऑब्वियसली इसको नए कस्टमर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपना कस्टमर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर सारा आपने फिलअप करना है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको बैक कर लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मैं पुराने कस्टमर को, मेरा ये कस्टमर रिपीटेड है, मैं इसको डिलीवर करवाना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी आपके रिपीटेड कस्टमर होंगे वो तो नीचे शो हो जाएंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपने आपके पास कोरियर पार्टनर जो हैं वो मरकज के, वो आपके पास शो हो जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ही हो रहा है, क्योंकि ये मरकज ऐप कह रहा है कि ये रिकमेंडेड है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पर आपको तीन भी शो हो सकते हैं, लेपर्ड कोरियर भी शो हो सकता है, उसके बाद आपको TCS भी हो सकता है, और उनके जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। सबसे जो कम डिलीवरी के चार्जेस हैं वो 139 है, जो कि रिकमेंडेड है, मीन्स के यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ईजिली मेरा जो पार्सल है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, आपके पास यहाँ पर दो तीन ऑप्शन आ सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, 139 रुपीज़ जो है वो हमारे नीचे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कर लेना है इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा, कैश ऑन डिलीवरी और ईजी पैसा। अभी आप कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो 35 रुपीज़ जो है वो और इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इजी पैसा के ऊपर क्लिक करेंगे, मीन्स कि आप इसको एडवांस में पेमेंट देना चाहते हैं मरकज ऐप वालों को, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे इजी पैसा से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी होता है, एडवांस में पेमेंट बहुत ही कम लोग देते हैं, मीन्स के ना होने के बराबर है, कोई भी नहीं देता एडवांस में पेमेंट। तो उसके बाद आपने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही क्लिक कर लेना है, और जब कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये 35 रुपीज़ हैं वो आपके पास ऐड हो चुके हैं। आपकी जो टोटल प्राइस है, फाइनल जो आपकी प्राइस है वो 6014 रुपीज़ जो है वो हो चुकी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जी, आपके सामने अभी आपने एक चीज़ नोट करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी फाइनलाइज़ कर लेना है कि मैं तीन प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवा रहा हूँ, और इसकी जो टोटल मैंने कैलकुलेशन की है, कस्टमर इतने कोरियर वाले को पे करेगा, वो आपने इधर कर लेना है, ठीक है। मैच कर लेना है कि इतने कस्टमर के साथ मेरी इतने में बात हुई है। लेट्स सपोज मेरा अभी ये ऑर्डर है 6000 का, यानी कि 6014 रुपीज़ का, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार ये 6014 रुपीज़ कस्टमर के साथ मेरी बात जो हो चुकी है, मेरी डील हो चुकी है, वो कोरियर वाले को पे कर देगा, मीन्स कि आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, जैसे कि आपके सामने ये जो तीनों प्रोडक्ट शो हो रही हैं, इसके अंदर नीचे आपके सामने इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो शो हो रही है, ठीक है। होलसेल जो उसकी प्राइस है वो 5240 रुपीज़ है, योर प्रॉफिट 600 आपका प्रॉफिट है, जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो 139 है, और जो कैश हैंडलिंग फ़ी है वो भी 35 रुपीज़ है। मीन्स कि आप तीन प्रोडक्ट को एक ही दफ़ा ऑर्डर कर रहे हैं और आपको डिलीवरी के चार्जेस कितना पे करना पड़ रहे हैं, 139। कैश हैंडलिंग फ़ी कितनी आपको पे करना पड़ रही है, 35। जस्ट एक ही दफ़ा आप 139 पे कर रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट आपके सेम एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जो कि नोट करने वाली है, वो भी आपने समझ लेना है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, मैं बैक कर रहा हूँ, आपने अभी समझ लेना है। बैक करता हूँ मैं, अगेन बैक करता हूँ और अगेन बैक करता हूँ, ये हमारा जो है वो कार्ड आ चुका है जिसके अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को ऐड किया था, इसको मैं डेल कर रहा हूँ, गौर से भी आपने समझ लेना है, ठीक है। बैक कर लिया, उसके बाद आपने ये चीज़ आप नोट करें, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सप्लायर है मरकज ऐप के ऊपर, एक स्पेसिफिक सप्लायर है जिसकी मैंने तीन अलग अलग प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहा, जो कि एक ही डिलीवरी चार्जेस के अंदर हमारे डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप अलग अलग सप्लायर की प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, मीन्स के मैं एक प्रोडक्ट जो है वो इस सप्लायर के ले लेता हूँ, अभी आपने समझ लेना है। प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, 200 रुपये आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, एड टू बैक करेंगे, ये हो चुकी है। उसके बाद हम एक और कैटेगरी की प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं एज एग्जांपल, ठीक है। प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, 200 रुपये हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, एज एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसको अपने कस्टमर तक डिलीवर करवाना है, जिसकी कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है, मीन्स के जिसको आपने सेल किया है, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन इसको कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को कर लेता हूँ, एज एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद योर प्रॉफिट 200 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, एड टू बैक कर लेते हैं, और उसके बाद तीन प्रोडक्ट जो हैं वो हमारी ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसकी जो टोटल प्राइस है ऊपर शो हो रही है, नीचे हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है, क्वांटिटी भी शो हो रही है, ये भी आपने देख लेना है क्वांटिटी कितनी आपने कस्टमर को डिलीवर करवानी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपके सामने 4100
29 रुपीज़ जो है वो टोटल शो हो रहे हैं। अभी आपने नोट करने वाली चीज़ जो है वो आपने समझ लेना है, और इस अमाउंट को अपने माइंड के अंदर बिठाएं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कस्टमर का एड्रेस देना है, नए पुराना जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एज एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसके अंदर डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जस्ट 139 रुपीज़ ऐड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो तीन दफ़ा, इसको अगर हम, हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं तो 139 को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उतने जो अमाउंट बनती है वो इसके अंदर ऐड होगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसकी जो अमाउंट है वो 4546 रुपीज़ जो है वो हो चुकी है, यानी कि तीन दफ़ा इसके अंदर 139 ऐड हुए हैं, ठीक। क्योंकि हमने तीन प्रोडक्ट को चूज़ किया है, अलग अलग जो सप्लायर है, अलग अलग जो कैटलॉग है उसको हमने चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अभी अगर आप कैश ऑन डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे 35 35 35 मीन्स के तीन दफ़ा 35 आपके इस टोटल के अंदर ऐड होंगे, क्योंकि अलग अलग आपको हर प्रोडक्ट के कैश हैंडलिंग जो चार्जेस हैं वो पे करना पड़ेंगे। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपको मैं एक चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हमने पहले में आपको मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस शो हो रही थी वो सिर्फ एक ही दफ़ा शो हो रही थी, क्योंकि वो एक ही सप्लायर की प्रोडक्ट थी। उसके अंदर हमारे पास एक ही दफ़ा मैंने आपको प्राइस दिखाई थी, आपको पिक्चर भी शो में करवा देता हूँ। उसके बाद होलसेल प्राइस है, उसके बाद 200 रुपये प्रॉफिट है, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस है 139, नीचे आपके पास कैश ऑन डिलीवरी यानी कि कैश हैंडलिंग चार्जेस है। टोटल इसने यानी कि तीनों प्रोडक्ट के अंदर आपको 139 139 139, उसके बाद 35 35 35, तीन दफ़ा आपको ये चार्ज कर रहा है। मीन्स कि अगर आप एक ही सप्लायर की 3 4 5 10 प्रोडक्ट एक ही एड्रेस के ऊपर एक ही ऑर्डर के अंदर डिलीवर करवाना चाह रहे हैं तो आप एक ही डिलीवरी चार्जेस के अंदर डिलीवर करवा सकते हैं। मीन्स कि आपको एक ही दफ़ा डिलीवरी के चार्जेस पे करना पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप अलग अलग सप्लायर को चूज़ करेंगे, अलग अलग आप कैटेगरी के अंदर जाके प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहेंगे एक ही एड्रेस के ऊपर, तो फिर आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 139 प्लस आपको 35 कैश हैंडलिंग फ़ी पे करना पड़ेगी। ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको क्लियर किया है। सेम सप्लायर की जो 3 4 प्रोडक्ट हैं वो आप एक ऑर्डर के अंदर डिलीवर करवाएंगे तो आपको 139 और प्लस 35 कैश हैंडलिंग फ़ी पे करना पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप अलग से अलग अलग सप्लायर को चूज़ करेंगे तो फिर आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 139 प्लस 35 कैश हैंडलिंग फ़ी पे करना पड़ेगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आपने ये सारी चीज़ें देख के फिर कस्टमर के साथ डील करनी है। अगर आप एक ही सप्लायर की तरफ जाएंगे, एक ही सप्लायर को प्रमोट करेंगे तो फिर आपके लिए ये बेनिफिट हो सकता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, थम्स अप जरूर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।